हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 3 बज रहा है और मैं हूँ अभी कठलाल में और आज तारीख हो चुका है 14 और मैं अभी आया हूँ लोडिंग करने के लिए। और दोस्तों, 4-5 दिन से मैं पढ़ता था वडोदरा में, पढ़ रहा था भरूच में 2-3 दिन, फिर एक दिन रुका वडोदरा में और आज 14 तारीख है और आज आया हूँ मैं भरने के लिए। फ्रेंड्स, भरूच से अहमदाबाद के लिए खाली खाली आया था और अभी अपना गाड़ी लगा है लोडिंग में और ये है शाम खेल का, देख सकते हो। और ये कुछ माल है और लोड हो रहा है, बाहर का ऐसा कुछ व्यू है और मैं अभी हूँ बाहर। और दोस्तों, बहुत तकलीफ हो गया था, माल तो मिल नहीं रहा था कुछ, अभी देखते हैं कब तक लोड होता है और यहाँ से अभी निकलेंगे। दोस्तों समझो 200 किलोमीटर में खाली खाली आया, लेकिन अभी मंदी का टाइम चल रहा है तो माल बहुत कम मिल रहा है रिटर्न में, ऐसा कुछ काम है। तो देखते हैं अपना गाड़ी कब तक लोड होता है, आप हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी 7:30 हो रहा है और मैं अभी हूँ इंदौर अहमदाबाद वाले रोड पे और मिल्की अपना मिल चुका है, मिल्की लेके अभी निकला हूँ। पहले अभी 120 लीटर डीजल डलवाया मैंने और डीजल डलवा के वापस यू टर्न लिया और अभी अहमदाबाद वाले रोड पे ही हूँ। मतलब यहाँ से कठवाड़ा GIDC है ना, जो यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर पड़ता है, तो ये मेन हाईवे का ऐसा कुछ नज़ारा है। और अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, थोड़ा आराम आराम से चलाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिन तो परेशान हो गया था, माल तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो 2-3 दिन में भरूच में पड़ा था और 1-2 दिन इधर वडोदरा में था, फिर उधर तो कुछ माल मिला नहीं, इसलिए फिर वापस खाली खाली इधर आना पड़ा अहमदाबाद के लिए। और अभी यहाँ से बिल्कुल टाइम से ही मिल गया तो अच्छा हो गया, तो अभी निकल गया हूँ और अभी अंधेरा होने वाला ही है और अभी शाम का टाइम हो रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, सब छुट्टी से मतलब कंपनी से छुट्टी में घर पे जा रहे हैं, तो आराम आराम से अभी जाएंगे और अहमदाबाद पार करेंगे। यहाँ से साणंद जाते जाते 50 किलोमीटर हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर में तो कई सालों लग जाएंगे पार करने में, क्योंकि अभी सब जगह जाम लगा हुआ होगा, तो मेन परेशानी अभी वही है। एक तो ये बड़ी गाड़ी में थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है, सबको देखना पड़ता है छोटे बड़े वाहन को, और इतना कंट्रोल भी नहीं होता है जितना छोटे वाहन कंट्रोल होता है, तो टेंशन में अपने ने यहाँ से गाड़ी लोड किया था और अभी आगे से यू टर्न लेके आ गया वापस और अभी निकलते हैं अपने मंजिल के लिए। तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखना और अपना साथ सपोर्ट मेरे को जरूर दिखाना, वीडियो को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर करना भूलना मत। बाकी ऐसे ही नए नए लोग आते रहेंगे और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी बता देना भाई कि भाई वीडियो में यही प्रॉब्लम है, तो उसमें भी कुछ जरूर फेरफार करेंगे। तो चलो चलते हैं।
भाइयों बहनों, अभी मैंने शांतिपुरा सर्कल से सड़क के लिए टर्न ले लिया है और अभी रात का 9 बज रहा है। देख सकते हो अभी थोड़ा जान में जान आया क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है कि बात जाने दो, बहुत परेशानी होता है। बस तो बहुत टाइम लग गया बाईपास में क्योंकि एकदम ट्रैफिक ही लगा रहता है, ट्रैफिक ही लगा रहता है, तो आराम आराम से चलना पड़ता है। और अभी मैं सानंद वाले रोड पे आ गया हूँ, अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है तो अभी थोड़ा दिल को ठंडक हो रहा है। ठंडक तो वैसे भी हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा है, देख सकते हो पूरे शीशे बिगाड़े हुए पड़े हैं। और अभी बाईपास पे बारिश था, अभी इधर नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा बारिश होता है फिर बंद हो जाता है, थोड़ा होता है फिर बंद हो जाता है, अभी आप शीशे से ही अंदाजा लगा सकते हो। और अभी मैं सानंद से थोड़ा पहले हूँ और ऐसे ही ये अमृत फल होटल आया सामने और अभी आराम आराम से जाएंगे। अभी तो दोस्तों बाईपास से ही लेंगे क्योंकि अंदर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, 9 बजे तो वैसे 9 एंट्री खुल जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है अंदर जाने का, बाईपास ही अपने लिए सही है। अपना गाड़ी 40-50 फुट का गाड़ी है तो, और वजन भी पूरा है, मेन दिक्कत नहीं है। और अभी खाने का प्रोग्राम कहीं करेंगे तो आगे देखते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी 8:30 हो रहा है और मैं अभी वहीं आ रही, रात को लगभग 2-2.5 बजे के आसपास सो गया था और अभी उठा हूँ। टाइम तो ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन नींद नहीं खुला इसलिए थोड़ा हो जाता है। 6 बजे का बोला था लेकिन नींद ही नहीं खुला, क्या करें। तो अभी चाय पिया और थोड़ा नाश्ता किया और अभी निकलते हैं अपनी सफर पर। तो आप पूरा UN तक देखना और ये सामने होटल है, ऐसा कुछ नज़ारा, और ये सामने टोल है, टोल पार करके खड़ा हूँ बगल वाली होटल में। तो अपना गाड़ी का एयर भर रहा है और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो अभी हैंड ब्रेक को करते हैं छुट्टी और यहाँ से होते हैं निकलते हैं। तो चलो, फोन भी आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ शामक्यारी, थोड़ा शामक्यारी से पहले हूँ और अभी 10 बजने वाला है और अभी इधर है फुल जाम। अभी मैं लाइन में लग चुका हूँ, आप देख सकते हो क्या चीज़ का जाम है, पता नहीं, अभी फुल ट्रैफिक जाम है 2 किलोमीटर पहले से ही। और अभी आराम आराम से जा रहा हूँ और 10 बजने वाला है वैसे तो अभी इसको डालने देते हैं अंदर, अभी देखते हैं क्या चीज़ का जाम है। तो आराम आराम से जाएंगे अभी, तो तकलीफ वाला काम है। हेलो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 11 बज रहा है और मैं अभी शामक्यारी, और अभी गाड़ी मैंने शामक्यारी चामुंडा होटल पर रख दिया है और अभी उसने पलटी वाले ने मेरे को यहाँ पे खड़ा रहने का बोला है, वो बोल रहा है दूसरी गाड़ी आएंगे तो बोल रहा है शिफ्टिंग करेंगे। तो
देखते हैं कब तक गाड़ी आता है, कब तक शिफ्टिंग होता है, क्या प्रोसेस है, कब तक खाली होता है। बाकी अभी चामुंडा होटल पे खाना बना खाएंगे, देखते हैं। मेरे को लग रहा है दोपहर तो इधर ही हो जाएगा आते आते ही। और ऐसा कुछ माल है, और सामने देख सकते हो चामुंडा होटल है। हेलो फ्रेंड्स, अभी 6 बजने वाला और मैं अभी हूँ शमशेरी, और अभी गलेट में जा रहा हूँ। और अभी सामने फाटक आ गया है और देख सकते हो ट्रेन आ रहा है। और इधर शमशेरी शमशेरी रेलवे स्टेशन है, और मैं गैलेंट कंपनी में जा रहा हूँ। अभी आज तो मेरे को लग नहीं रहा है खाली होगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। पूरा दिन सुबह से खड़ा हूँ, अभी बोल रहे हैं कि उधर चले जाओ गैलेंट में, सब मजबूरी वाला काम है। देखो डबल कंटेनर लेके जा रही है गाड़ी। किसी में सिंगल है, किसी में डबल है, और अभी फाइनली ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम इधर कंपनी के गेट के पास आ गए हैं, और इधर का कुछ नज़ारा बहुत अलग है। काला काला मिट्टी पड़ा है, और खाली करने का तो पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है खाली होने का। अभी भी मेरे को वही लारा दे रहा है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि गाड़ी आ रहा है। पहले वो थोड़ा ऊपर वाला माल खाली करेगा, बाद में वो अपना जो बड़ा वाला माल है वो अंदर जाएगा, फिर खाली होगा। तो रात में तो खाली होगा नहीं, तो उससे अच्छा था कि वह होटल पे ही खड़े थे, वही अच्छा था, खाना पीना तो मिल रहा था। अभी इधर तो दिक्कत वाला काम हो गया, देखते हैं अभी क्या होता है। अपने जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इधर कोयला ही कोयला पड़ा है, बहुत धूल उड़ रहा है। पूरा गाड़ी भर जा रहा है, और इधर का पोजीशन तो खराब है। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 16, और अभी बज रहे 12, और मैं अभी हूँ कंपनी में। फ्रेंड्स, अभी तक अपना कुछ हुआ नहीं है, अभी जैसे कल था वैसे ही है। अभी गाड़ी मैंने अंदर लिया है, और अभी भी वही लफड़ा चल रहा है, थोड़ा माल दूसरी जगह शिफ्ट करने का है। तो अभी तक हुआ नहीं है कुछ, और देखते हैं अभी क्या क्या होता है। 12 तो बज गया है, मैं अभी शाम को तो घर पे चला गया था, फिर अभी पहुंचा हूँ, और अभी पहुंच के ही गाड़ी अंदर ले लिया। अभी देखते हैं, आज खाली हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, अभी शाम का 5 बज रहा है, और अपना गाड़ी फाइनली खाली हो चुका है। और ये देख सकते हो पार्किंग है, पार्किंग में अभी बाहर आ गया हूँ, सामने गेट है, और ये अपना रेसिंग मिल गया है, और रेसिंग पड़ा है। तो फ्रेंड, मैंने शाम के अभी पार कर लिया है, और मैं अभी जा रहा हूँ बच्चों की तरफ, और अभी जाएंगे एंजियर गाड़ी रखेंगे। आज तो है संडे, कल कोई नया आया हो माल का हो, कल नया प्रोग्राम आया हो, तो कल देखेंगे। और अभी
खाली खाली जाते हैं जहाँ और वीडियो को यहाँ पे करते हैं, वीडियो को लाइक दे दें, सब्सक्राइब जरूर कर देना।